हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। जब भी हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आती है वो होती है फेस को क्लीन करना। दिन भर जो हमारी स्किन होती है, ये फेस की स्किन, ये पॉल्यूशन से, डस्ट से रूबरू होती रहती है, तो इसलिए इसे क्लीन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एंड सब कोई अपने फेस को क्लीन भी करता है, क्योंकि अगर हम फेस की क्लीनिंग छोड़ देंगे तो फर्दर हमको स्किन की कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। स्किन को क्लीन करने के लिए मैक्सिमम, या मैं कहूँ 98-99% लोग फेस वॉश का ही यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन इतनी गंदी हो चुकी होती है या हमारी स्किन पे इतना मेकअप अप्लाई होता है कि फेस वॉश का यूज करने से सिर्फ हमारा काम नहीं चलता, उस समय हमारे स्किन को जरूरत होती है डबल क्लींजिंग की। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, डबल क्लींजिंग होती क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके फायदे कितने हैं, इसके नुकसान कितने हैं, एंड इसके प्रॉपर स्टेप क्या हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। सो नाउ लेट्स मूव। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि डबल क्लींजिंग होता क्या है। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताती हूँ। जैसा कि नाम से ही है, इसमें डबल क्लींजिंग, इट मीन्स इसमें हम अपनी स्किन की दो बार क्लीनिंग करेंगे। तो पहले हम किसी ऑयल या ऑयल बेस्ड क्लींजर या ऑयल बेस्ड माइसलर वाटर से अपनी स्किन की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी स्किन पे जो भी मेकअप या डस्ट के पार्टिकल होंगे वो ब्रेकआउट हो जाएंगे और हमारी स्किन अच्छे से क्लीन होगी। देन इसके बाद हम इसमें सेकेंड स्टेप करते हैं, जिसमें हम किसी माइल्ड फेस वॉश का यूज करते हैं और वाटर के हेल्प से अपने फेस को क्लीन करते हैं, ताकि जो भी बचे खुचे मेकअप के प्रोडक्ट है या कोई भी गंदगी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ये होता है डबल क्लींजिंग, जिसमें हम पहले स्टेप में अपनी स्किन पे जो भी बैक्टीरिया या गंदगी है उसे रिमूव करते हैं एंड सेकेंड स्टेप में स्किन की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर डेमो भी दूंगी कि आपको कौन सा स्टेप कैसे करना है, पर उससे पहले हम जानते हैं कि इसके फायदे कितने हैं और इसके नुकसान कितने हैं। सबसे पहले हम फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा है कि डबल क्लींजिंग से आपके स्किन के पोर्स बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं, और जब आपकी स्किन के पोर्स अच्छे से क्लीन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्किन भी अच्छे से क्लीन होगी। सेकंड, डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन की जो डलनेस होती है वो गायब हो जाती है और आपकी स्किन काफी रिफ्रेशिंग सी फील होती है। थर्ड, डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन काफी हेल्दी भी बनती है और ग्लोइंग भी बनती है। नेक्स्ट, डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव होते हैं, जिससे आपकी स्किन का जो ग्लो है, नेचुरल ग्लो, वो वापस आता है और आपकी स्किन काफी, मतलब कह सकते हैं, खिली खिली दिखती है। मैं बोलूं तो आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग बनती है। अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने पिंपल प्रोन स्किन है तो डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन को बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि इस प्रोसेस से आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है, पोर्स बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं, तो आपको जो फर्दर एक्ने पिंपल निकलने की प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। क्लींजिंग करने के बहुत ही फायदे हैं, पर अगर आप इसे नाइट में करेंगे ना तो इसका फायदा दुगुना हो जाएगा। रात में जब आप डबल क्लींजिंग करेंगे उसके बाद जो भी आप स्किन केयर का प्रोडक्ट अप्लाई करें वो आपकी स्किन में रात भर में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो रात में अगर आप डबल क्लींजिंग करते हैं तो इसके फायदे दुगने हो जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन को क्या क्या फायदा होता है। अब मैं बात करती हूँ कि डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन को क्या क्या नुकसान पहुंचता है। तो फर्स्ट देखिए, डबल क्लींजिंग आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप ये प्रोसेस डेली डेली करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपकी स्किन ड्राई होती जाएगी। कभी भी आपको डबल क्लींजिंग डेली नहीं करना है। सेकेंड, अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो हो सकता है डबल क्लींजिंग करने से आपकी स्किन पे इरिटेशन हो, इसलिए सेंसिटिव स्किन जिनकी है उनको बहुत ही ज्यादा डबल क्लींजिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड, हमेशा डबल क्लींजिंग करते वक्त जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपने गलत प्रोडक्ट से डबल क्लींजिंग कर ली तो आपको फर्दर स्किन की कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो चलिए, ये तो हो गया डबल क्लींजिंग के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डबल क्लींजिंग आपको कब कब करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको कोई ऑयल लेना है या ऑयल बेस्ड माइसेलर वाटर, जैसे मैं यहाँ गार्नियर का माइसेलर वाटर यूज कर रही हूँ, इसमें ऑयल है। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं या ऑलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा अपने पाम पे लूंगी, आप चाहे तो डायरेक्ट कॉटन पैड पे भी ले सकते हैं। इसके बाद इसे अपने फेस पे हल्का सा रब करूंगी। इसके बाद कोई भी कॉटन का पैड लेकर अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लेना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा सा हैवी होता है तो ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा। एंड अगर आपने बहुत ही हैवी मेकअप अप्लाई किया है तो कोशिश करें कि माइसेलर वाटर का यूज करें। वैसे मेरे फेस पे अभी बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं था, फिर भी मैंने माइसेलर वाटर का यूज किया। फेस को अच्छे से वाइप करने के बाद एक कॉटन का कोई कपड़ा लीजिए, उसे हल्के से गुनगुने पानी में डिप कीजिए एंड इससे अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लीजिए अगेन।
इससे आपकी स्किन थोड़ी सी फ्रेश भी दिखेगी और जो भी ऑयल आपने अप्लाई किया है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की, जहाँ पे आपको कोई भी माइल्ड फेस वॉश लेना है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो कोशिश करें कि सैलिसिलिक एसिड बेस फेस वॉश लें। मैंने यहाँ फेस वॉश ले लिया है, अपने फेस को हल्का सा गीला किया, देन इस फेस वॉश से अपनी स्किन पे मैं हल्के हाथों से 1 मिनट तक रब करूँगी। नोज के अराउंड, फोरहेड पे एंड चिक्स पे, यहाँ पे ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रब करना है। बस आपको 1 मिनट तक ही रब करना है, देन नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड यहाँ पे जो डबल क्लींजिंग का प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। पर मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ स्टेप बता रही हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स ज़्यादा है तो आप एक आइस लीजिए, उसे कॉटन के कपड़े में लपेट के अपने फेस पे कुछ इस तरह से मसाज दीजिए। मेरे पास अभी आइस अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया। इसके बाद आपको कोई भी टोनर लेना है, इसे अपने फेस पे स्प्रे करना है, देन हल्का सा फिंगर के हेल्प से डैब डैब करना है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम लेना है या फेशियल ऑयल जो भी आपके पास है वो लीजिए, उसे अपने पाम से थोड़ा सा वार्म अप कीजिए एंड अपने फेस पे कुछ इस तरह से डैब कीजिए। इसे आपको अपने फेस पे रब नहीं करना है, इस तरह से डैब करना है ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। देन बारी आती है मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की। मैं यहाँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। इसे लेना है एंड अपने फेस पे अच्छे से इसकी मसाज देनी है ताकि आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है और इसे आपको डेली नहीं करना है, वीक में 1 या 2 बार करना है। एंड इस पूरे प्रोसेस के बाद आप मेरी स्किन देख सकते हैं, काफ़ी फ्रेश दिख रही है, काफ़ी खिली खिली दिख रही है। इस पूरे प्रोसेस से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी एंड ग्लोइंग बनती है। अब तक आपने डबल क्लींजिंग क्या होती है, इसे कैसे करना है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको कब करना है। वैसे तो आप डबल क्लींजिंग कभी भी कर सकते हैं दिन भर, पर अगर आप रात में करेंगे तो इसका फायदा दुगना हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि रात में करने से आपकी स्किन में जो भी प्रोडक्ट आप रात में अप्लाई करते हैं स्किन केयर के, वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होगी। रात भर आपकी स्किन उतने डस्ट एंड पॉल्यूशन से रूबरू नहीं होती, तो जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं वो आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे, जिससे आपकी स्किन और भी हेल्दी बनेगी। सेकेंड, डबल क्लींजिंग आपको वीक में 1 या 2 बार ही करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। डेली कभी भी आपको डबल क्लींजिंग नहीं करना है, नहीं तो इससे आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो गायब हो जाएगा। या आप डबल क्लींजिंग तभी कीजिए जब आपकी स्किन पे बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप अप्लाई है, तभी आप डबल क्लींजिंग यूज कीजिए। दोस्तों मुझे लगता है अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डबल क्लींजिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, या आपकी स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं, इसे आपको कब करना चाहिए। एंड जो डबल क्लींजिंग को लेकर जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे या जिनको नहीं पता होगा इस बारे में, उनको भी सब कुछ पता चल गया होगा ये वीडियो देख के। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।